नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और आपके साथ हूं मैं राजेश तिवारी। भोजपुर की लगभग सभी सड़कें की हालत काफी ही दयनीय हो चुकी है और प्रायः दिन गाड़ियों की दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सड़कों का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं हो पा रही है, जिसके विरोध में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने नवादा थाना अंतर्गत बिहारी मिल के पास मुख्य सड़क पर ही धान रोपनी कर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद किया और कहा कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार मुझे चाहिए। भोजपुर के कई मुख्य मार्गों का हालात काफी ही दयनीय हो चुका है। प्रातः दिन इसे गड्ढे नुमा सड़क में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सड़क निर्माण की मांग करते हुए युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने बिहारी मिल के पास गड्ढे नुमा सड़क में धान रोपनी कर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवा राजद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान सरकार को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। कोरोना का है रोना, विधानसभा का है निगाहें। निशाना है विधानसभा का, लेकिन कोरोना का है रोना। कोरोना जहां एक तरफ महामारी फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा का निगाहें सभी के टिक गई है। वैसे आप जानते होंगे और देखे होंगे, अनुभव भी किए होंगे कि आपके आरा भोजपुर जिला का बहुत से सड़क ऐसा है जो आज चलने की स्थिति में नहीं है, आवागमन करने की स्थिति में नहीं है, और इसको लेकर कई पार्टियां, विभिन्न पार्टियों ने आवाज भी लगातार उठाती रही है, लेकिन अभी तक कोई इस पर विशेष अमल नहीं किया गया है। सभी लोग परेशान हैं कोरोना को लेकर, लेकिन यह कितना और कब तक सहेंगे हमारे भोजपुरवासी, आप देख रहे हैं कि सारे ये हमारे युवा काफी जो हैं ये लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं कि भोजपुर की सड़कें बने, ज्यादा जल्द बने और यातायात जो है सुगम। अभी आरजेडी राजद के सभी कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। उन्होंने कि बिहारी में जर्जर सड़क है, काफी गाड़ियां पलट गई है, वहां पर धान की रोपनी करके बिहार सरकार के युद्ध को तोड़ने का प्रयास किया है। आप जग जाओ और बिहार की सड़कों को करें। हमारे साथ बहुत काफी युवा कार्यकर्ता है, उनकी दिल की बातों को जानिए। क्या कहते आज पूरे बिहार में, विशेष करके हमारे जिले में भोजपुर जिले में एक भी सड़क चलने के लायक नहीं है, पैदल चलने के लायक नहीं है, तो गाड़ियां क्या चलेंगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां ट्रक रोड से रोज उलट रहा है, या आपका बाजार समिति का एरिया हो या गोपाली चौक से धरहरा का एरिया हो, पूरे शहर में चलना मुश्किल है। और बरसात का मौसम है, आधा घंटा की बारिश हो, शहर के मतलब जो इस इलाके को बीच शहर का हट समझा जा रहा है, जैसे आप बाबू बाजार जाइए, शिवगंज जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह सड़क पे पानी है, गंदगी है। आप सरकार से, सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है। अब सरकार से हम लोग क्या मांग कर सकते हैं, सरकार है कितने दिनों की मेहमान, 15 साल से है, और जो पहले से सेंट्रल से भेजा हुआ पैसा था, जो रोड वोड बनाकर नीतीश जी अपना 15 साल तक चेहरा चमका लिए, लेकिन सच्चाई है कि 15 सालों के अंदर में कहीं भी गांव हो या शहर हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, कोई भी सड़क इन्होंने बनाने का काम नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग तो भाई आम जनता से यह अपील कर रहे हैं, इस तरीके के असंवेदनशील सरकार को
जो कि जनता की किसी भी समस्या को देखना सुनना और समझना नहीं चाहती है, उसको बदल करके हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद की सरकार बनाने का काम करें, आगे बिहार विकास करेगा। आप क्या सोचते हैं कैसे बिहार विकास करेगा? बोल दी, आप क्या कहें कैसे बिहार विकास करेगा? शॉर्ट में बिहार का विकास ये पलटू राम है, इनका दो दांत है, हाथी के दांत देखावन के अलग, खाने के लिए अलग। ये घोटालों में लिप्त सरकार है, नहीं बिहार में शिक्षा है, नहीं चिकित्सा है और नहीं रोड है। रोड पर आए दिन प्रत्येक दिन आपके सामने ये गाड़ी पलटी हुई है। ये स्थिति है बिहार के रोड और शिक्षा और व्यवस्था के लिए। बिहार में अब तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार चाहिए, यही मांग कर रहे हैं युवा राजद के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष और युवा कार्यकर्ता सारे लोग हैं। इनकी मांग है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का नारा दिया इन्होंने। उम्मीद करते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में युवा जरूर इस बात में सोचेंगे और कुछ करेंगे।